मेहरवान साहेब मेहरवान जी सकल को दे दान। सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, सुन बेनती
क्यों नहीं कटेगा परमात्मा साढ़े अवगण। देखो भगत कबीर जी भी शब्द है असम भगत कबीर जी का। भगत कबीर जी एक दावे नाल एक हक जता के कह रहे हैं, हम असं समाप्ति वाल आना है कि काहे ना खंडा सबगण मेरा। जिमें एक बच्चा अपने प्यो को कोई डिमांड करे ना तो प्यो ना मने, तो प्यार नाल बच्चा कहता है बिकॉज कि तू मेरा फादर है तेन करनी पैनी है मेरी डिमांड पूरी। बिकॉज क्यों वो कहता क्यों, क्योंकि बच्चा माता पिता जो लाड करते हैं वो कहते हैं तेरी गल क्यों मनने, वो कहते तू मेरा प्यो है तेन मैं ये चीज़ लैके देनी पैनी है, तू मेरा फादर है मैं तेरा सन हाँ तेन मेरी डिमांड्स फुलफिल करनिया पैनिया ने। सो भगत कबीर जी कहते काहे ना खंडस, तू क्यों नहीं खंडेगा किवें नहीं खंडेगा। भगत कबीर जी बहुत क्लोज सन परमात्मा के, एक मिके होए सन, कहते तेन कटने पैणगे क्यों मैं तेरा पुत्र हाँ। कहते काहे राम अय्या वो बारिक तेरा, कहते तेरा बच्चा हाँ। काहे ना खंडस अवगण मेरा, क्यों क्यों नहीं खंडेगा तेन दूर करने पैने ने। सो भगत जी देखो किवें दावा कर रहे हैं, सुत अपराध करत है चेते सुत भावों का पुत्र। कहते जिन्हें मर्जी शरारत गलत काम करे बट प्यो हमेशा बच्चों नू माफ कर देता है, सो तू मैनू माफ करेगा। सुत अपराध करत है जेते जननी चीत ना राकस तेते, जिमें बच्चा शरारत करे माँ एक बारी मार लवे जननी भाव मदर, बट शाम को बच्चे फिर चूमेगी प्यार करेगी कोई गल नहीं मेरे बच्चे ने जो गलती कर दी है। साडा गुरु भी इस तरह है, जे गलतियां हो गई हैं जो लास्ट ईयर पिछले सालों गुरु साहब सानू जरूर बख्श देंगे। सो असी मन जरूर बनाइए बस नवे साल से न्यू लाइफ का। सो गुरु साहब कहते जननी चीत ना राकस देते, भाव परमात्मा साड़ी गलतियां मन में नहीं रखता, बस असी मन करके अरदास करनी कि गुरु साहब असी ताडे बच्चे हाँ, सानू बच्चों अपने दर आया बख्श। सो इतनी ही कीर्तन की सेवा प्रवान करनी, सारे अरदास करिए कि गुरु साहब साडा गाव्या सुनिया थाए पाण ते सानू मन करके अपने चरणों नाल जोड़ लैन, ता जो इस दुनिया विच जो साडा टारगेट है आए दा, साल तो बीतते जा रहे हैं, हर साल नवा साल मना लैंदे हाँ, साल फिर पुराना हो जाता असीं कहिंदे फिर नवा मना लईए, कितनी क वारी असीं साल मनाई जावांगे अपने गुरु नूं मनाईए। गुरु खुश हो गया तो नित नवा साल, नित दिवाली है, नित खुशी ही खुशी है। सो आओ इतनी ही कीर्तन की सेवा प्रवान करनी। धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी जिन्होंने सानू कीर्तन लई जो सेवा बख्शी, गुरुद्वारा कमेटी का भी आप संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने हाजिरी भरी है, असीं सारे ने रल के सिख वास्ते यही सैलीब्रेशन है जो गुरु के चरणों में हो जाए। बार पब्बा क्लबों में साडी सिख की सैलीब्रेशन शोभा नहीं देती। आप बहुत ही गुड लक हो, वो चंगे भागों वाले हो, आप जी का भी तह दिलों धन्यवाद जी आया सारियां नूं जो गुरु की हजूरी में नवे साल की गुरु की हजूरी में आ गए हैं। नवी होप है, नवी आस है कि शायद गुरु अगे साडी लाइफ में सही वे ते लियावे। गुरुद्वारा कमेटी का भी